या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 593, 1st of November, year 2000, my wife in St. Antonio, U.S. दिनदारो सुखी रहो, आबाद रहो। 8 बरस के बाद मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जमात बड़ी हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा ट्रेंड है, इवन कैनेडा या नॉर्थ अमेरिका में 30 बरस हुए हमारी जमात आती है। अभी हम लगभग 1 लाख हैं नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन हर बरस जमात इंशाअल्लाह बढ़ती जाएगी। आज मैं आपको इंसानी जिंदगी और इस्लाम के जो अहकाम है, यानी इस्लाम के जो कायदे और हुक्म है, इन पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। और ये बात आजकल 3-4 बरस से मैं देख रहा हूँ कि हमारे मौलाना हज़रत इमाम एथिक्स ऑफ इस्लाम के ऊपर बहुत जोर देते हैं। हे जी दास दोष नमी खमी चालो ले ओ शमैया बे मोहम्मद मोहम्मद। फिर शम्स का गिनान है और हम आमतौर पर जमात में बोलते हैं। बच्चों को छोटी उम्र में जो गिनान सिखाए जाते हैं उसमें ये गिनान भी है। दास का यहां मतलब मोमन है, गुलाम, मुरीद। लेकिन कुछ लोग बोलने वाले 10 दोष नमी खमी चलो, 10 नहीं है दोष, 10 नहीं, दोष तो हजारों होते हैं। दोष कहते हैं गलती को, भूल को, बेअदबी को, बेइज्जती को, किसी ने गाली दे दी, ये उसका दोष है। शम्स माँ बाप कहते हैं, अरे मेरे मुरीद, लोगों के जो दोष है, लोगों की जो गलतियां आप भूली हैं, तुम नम के खम के चलो। नमनी खमनी शाह जी को प्यारी। नमनी कहते हैं हलीम बन के, हम्बल बन के रहना। ह्यूमिलिटी जो है वो नमनी है। और खमनी कहते हैं टॉलरेंस, बर्दाश्त करना। ये दो चीजें ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, ये इस्लाम और मजहब के बेसिक प्रिंसिपल्स में से, बिहेवियर में से बहुत ऊंची चीजें हैं। और अल्लाह ताला को ये दोनों चीजें पसंद हैं, बल्कि ये इबादत की जान है। अगर ह्यूमिलिटी नहीं, खुदा के दरबार में आदमी आया है और उसमें अज़्ज़ो इनकसारी नहीं है, तो खुदा ताला की ये बेअदबी है। और इसी तरह से हम इंसान अगर दूसरे की भूल चूक वगैरह माफ नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, तो ये चीज भी इबादत के खिलाफ है। एक रंगा नर पतिमा, वो आदमी के जो अंदर बाहर यकसा है, यानी कि वो ऐसा आदमी नहीं कि जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डिफाइंट, समझते सोचते भी फिर भूल करता है, सामना करता है, हम इसको बगावत में लेते हैं, वो बागी है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो आदमी अंदर बाहर यकसा है, यानी खुदा को बाहर से भी मानता है, अंदर से भी मानता है, मतलब कि उसका ईमान मजबूत है,
तो फिर कहते हैं कि उस आदमी का रास्ता यानी जिंदगी का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। अनाजर इमाम एथिक्स के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो मौलाना फरमान किए हैं बहुत लंबे फरमान हैं। मौला की इस मुसाफरी के फरमान जो आए हैं 70-80 पेज के फरमान हैं। इनमें भी खुदा ने, खुदा के इस नूर ने हमको एथिक्स ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम जो तुम्हें कानून कायदे बिहेवियर तुम्हारे अखलाक के मुतालिक कहता है उसके ऊपर अमल करो। एथिक्स का मतलब है अखलाक। एक गिनान है रुपी सदर जी माँ बाप का और बड़ा मशहूर है, वो भी जमात में बोलते रहते हैं, उसका नाम है सोक्रिया। क्रिया का मतलब है किसी चीज पे अमल करना। दुआ पढ़ना एक क्रिया है, हर जिंदा करना एक क्रिया है, गटपाच पीना एक क्रिया है, तस्वीर निकालना एक क्रिया है। यानी जो हमारे मजहब के जो आमाल हैं जिसके ऊपर हम चलते हैं अमल करते हैं इसको क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया है लेकिन हम इसको क्रिया कहते हैं क्योंकि संस्कृत में से गुजराती और प्राकृत निकली। हमारे ज्ञानों के अंदर 24 अलग अलग जबानें इस्तेमाल की गई हैं। तो ये सौ क्रिया सारी की सारी हमारे आमाल और बिहेवियर के ऊपर लिखी गई है। एथिक्स ऑफ इस्लाम की अगर बात सीख रही है तो सौ क्रिया पढ़ो। फिर मैं बड़े अच्छे अल्फाज यूज किए हुए हैं, सोगार सांखी वीरा क्रोध ना करी रे भाई अवगुण करे तारासो गुण जर करी। सतवा नहीं कर आ गए लेकिन इसको दूसरे राग से भी बोला जाता है कि अगर किसी ने तुमको एक गाली दो गाली चार गालियां, ये मतलब कहते हैं 100 दफा भी अगर तुम्हें कोई गाली दे तो गुस्से मत होना। यहाँ गुस्सा नहीं कहा, क्रोध कहा है। गुस्सा तो बच्चों को भी होता है, गुस्सा एक नेचुरल चीज है। और गुस्सा जिस तरीके से खुदा ताला ने हमें बख्शा है मैं आपको अभी समझाता हूं, वो जरूरी भी है। लेकिन यही गुस्सा जब क्रोध बन जाता है तो आदमी की दिमागी बैलेंस हट जाता है, वो ऐसा हो जाता है कि अकल का ताल्लुक मिट जाता है थोड़ी देर के लिए और वो चीजें तोड़ तोड़ कर फेंकता है, चीजें उठाता है तोड़ता है, दीवार के साथ मुखियां मारता है, कोई समझाने जाता है तो लड़ने जाता है। ये क्रोध है कि जब इंसान का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लाल हो जाता है और उसकी अकल ठिकाने नहीं रहती, ये एक किस्म की बेहोशी है। तो फिर कहते हैं अगर कोई तुझे गालियां दे रहा है, तेरे बेइज्जती कर रहा है तो खामोश रहो, इस अवगुण को बर्दाश्त कर लो और ऐसा न हो कि तुम क्रोध में आके अपनी अक्ल घुमा बैठो। क्रोध वाकई बहुत बुरी चीज है। इसी आदमी ने दुनिया में आपको मालूम है ना हर तरह के लोग हैं। एक कोई 18-20 बरस का जवान मेरे एक क्वेश्चन आंसर के सेशन में मैं ये बात कर रहा था तो जब मैंने ऐसा बोला कि और किसी को कुछ पूछना है तो बोला कि पीर ने कहा है कि 100 गाल सांखी क्रोध न करिए तब तक हम खामोश रहें, लेकिन 100 के ऊपर 101 बोले तो पीटे उसको। देखो समझने की बात है, 100 एक इडियम है, इडियोमेटिक फ्रेज है। 100 का यह मतलब नहीं है कि 1 and 2 zeros, 100 का मतलब यह है कि बहुत। हम जब किसी आदमी को कहते हैं 100 बरस जियो तो उसका यह तो मतलब नहीं है कि वो 100 जिए नहीं जिएगा, हो सकता है 105 भी जिए। तो यह एक इडियोमेटिक फ्रेज है कि तुम्हें कोई कितनी भी गालियां दे रहे तुम क्रोध न करना, मारधार जंग न करना। इस एथिक्स के अंदर खुदा की इबादत की बात करते हैं कि माँ बाप के शान हो जाए।
कि तुम खुदा ताला के हुजूर में जाओ, अपना दुनिया का धंधा रोजी रोजगार बंद करके शाम को खुदा ताला के पास जाओ कि जो तुम्हें रोजी देता है। और जहां भी निंदा होती होवे, गिबत होती होवे, एक दूसरे की मस्ती करते होंगे, तो फिर कहते हैं वहां से उठ के चले जाओ। रसूल अकरम की जिंदगी एथिक्स से भरी हुई है और अल्लाह ताला ने हमें कहा भी है कि जो रसूलुल्लाह के उस्वाए हुस्ना है, नेक आदतें जो हैं, उसकी तरफ ध्यान करो। नबी की कितनी ही ऐसी चीजें हैं कि जिसके अंदर हमें छोटी बड़ी हर किस्म की अपनी जिंदगी गुजारने की हिदायत मिलती है। और इसके साथ साथ देखो, रसूल अकरम हलीम थे, बहुत हलीम थे, यानी हम्बल थे। हुजूर बैठे हुए हैं एक महफिल में, आमतौर पर नबी करीम मस्जिद में आके नमाज के बाद बैठे रहते थे, यहां तक कि कभी कभी दूसरी नमाज का वक्त आ जाता था। तो दिन का वक्त था, सुबह की नमाज के बाद घर चले गए और फिर चाश्त का वक्त हुआ। चाश्त कहते हैं लगभग 3 घंटे के बाद, तो लगभग 9:30-10 बजे आप आ गए। हदीस पढ़ने से हमें बहुत सी चीजों का पता भी चलता और अपने दीन का पता लगता है। रसूल अकरम चाश्त की नमाज पढ़ा करते थे, ये 6थी नमाज थी। हालांकि लोगों को इस बात के लिए कहा नहीं, फिर भी कई लोगों ने इसकी नकल की थी। चाश्त 3:15 घंटे सुबह की नमाज के बाद हुजूर एक और नमाज पढ़ते थे। लोग बैठे होते तो भी खड़े हो जाते थे, तो 2 रकअत चाश्त की नमाज पढ़ते थे। और कभी कभी और खसूसी तौर पे चांद की 7वीं तारीख को रसूल पाक सुबह की नमाज के बाद चाश्त के वक्त तक कुछ खाते पीते नहीं थे। आप मेरा इशारा समझे? 3:30 घंटे सूरज निकलने के बाद सुबह की नमाज के बाद हुजूर महीने की 7वीं तारीख, और वो चांद का महीना हुआ करता था उस जमाने में, तो फिर चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद तो लोगों को मालूम तो था कि आज चाश्त की नमाज पढ़ने का मौका है, तो कुछ न कुछ खाना पीना ले आते थे। तो हुजूर ये रोजा तोड़ देते थे, हमने इस रोजे को यहाँ बंद कर दिया, ये रोजा है 7वीं रात का रोजा, 7वीं तारीख का रोजा, हम इसको सतीमा कहते हैं। कठियारे की हम वो इसके अंदर कहानियां पढ़ा करते थे, यानी हमने बहुत सी चीजें समझ न होने की वजह से उंगली सीधी कर दी है। और हमको ऐसा समझ में दिखाया गया कि भाई ये सती माँ का रोजा तो हिंदुओं की कोई रीत आ रही, हिंदुओं के हिंदू तो पैदा भी नहीं हुए थे हमारे मजहब के साथ मिलने के लिए। रसूल अकरम की बात करता हूँ, ऐसी एक और बात निकल आई। नबी करीम की एक बहन थी उमहानी, एक दफा हुजूर उसको मिलने गए तो देखा बीबी फातिमा आगे बैठी हुई है, दोनों खड़ी हो गई। आइए आइए नया नबी आइए। नबी करीम फातिमा के पास जाके बैठे, फातिमा को बहुत प्यार करते थे। जब फातिमा बीबी छोटी थी और लोग बैठे होते थे और भाग के चली आती थी अब्बा के पास, तो दूर से देखते तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, कलेजे से लगाते थे, और जहाँ बैठे होते थे हट जाते थे, और जो वो रग होता था उसमें आधी जगह पे बीबी फातिमा को बिठा दे और आधी जगह पे खुद बैठे। नबी करीम को ये एक ही बेटी थी लेकिन बहुत प्यारी थी। तो बीबी उमहानी अंदर गई तो वापस आई, थोड़ा सा कुछ खाना लेके आई, या नबी खाओ। हुजूर ने रखा बीच में, तो इनको कहा आओ तुम भी खाओ। तो हजरत उमहानी कहती है या नबी हमने रोजा रखा है। काहे का रोजा? के नफल का रोजा। नफल जो है वो इंसान अपनी मर्जी से या तो किसी वजह से कोई तकलीफ या दुख आवे और या महज खुदा ताला की मेहरबानी ज्यादा हुए उसके लिए या तो नमाज पढ़ लेते हैं, कई लोग रोजा रखते हैं इसको,
نفل کا روزہ کہتے ہیں, اور وہ بھی ساتویں تاریخ تھی. ہو وہ چاشت کا وقت ہے, ہاں لیکن ابھی روزہ کھول لو. انہوں نے روزہ کھول دیا. یہ جو 3.5 گھنٹے کے یہ جو روزے ہیں, ڈیڑھ پہر کا روزہ, ڈیڑھ پہر, 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے, تو 3 گھنٹے اور ڈیڑھ گھنٹہ 4.5 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. ہم کو پیروں نے یہ ڈیڑھ پہر کے روزے رکھنے کے لیے, یہ کوئی ہمارے مذہب کے پرنسپل میں نہیں ہے. بہت سے لوگ تسبیحاں نکالتے ہیں, بہت سے لوگ خیرات کرتے ہیں, بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, فرمان پڑھتے ہیں, کنان پڑھتے ہیں. اپنے روح کی تازگی کے لیے انسان کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں کہ جو ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں, یعنی کہ نورشمنٹ ملتی ہے, خدا کی یاد ہوتی ہے, ہم ایک دو پیسے راہ اللہ خرچ کرتے ہیں. تو نبی کریم چاشت کی نماز پوری کرتے حضور بیٹھے, ایک عورت آئی, چھوٹا بچہ, 7-8 کے 10 برس کا بچہ تھا لڑکا. جب آ کے بیٹھی تھے سلام کیا, حضور نے دیکھا لڑکا ساتھ تھا, پوچھا کیا ہے, کہتی یا نبی یہ میرا لڑکا ہے, گڑ بہت کھاتا ہے. حضور ذرا اسمائل کیا, اچھا اس کو کل لے کے آنا. آمین چلی گئی. دوسرے دن لڑکے کو لے کے آئی, حضور نے لڑکے کو نزدیک بلایا, سر پہ پیار کیا, فرمایا دیکھو بیٹا بہت زیادہ گڑ کھانے سے تھوڑے پنسیاں نکلتے ہیں, بہت گڑ نہ کھایا, کبھی کبھی تھوڑا کھایا کرو. پیار کیا چلے گئے. ایک آدمی کے تو یاد نہیں, وہ کل آئی تھی, یہی بات آپ اس کو کل کہہ دیتے تو حضور فرمایا آنکھیں نیچی کر کے کہتے کل میں نے گڑ کھایا تھا. میں کیسے بولوں کہ گڑ نہ کھاؤ. کتنا اچھا اخلاق ہے. حضور فرمایا میں نے کل گڑ کھایا تھا, میں کس زبان سے کہوں کہ تم گڑ نہ کھاؤ. یہ نبی کے اخلاق تھے. رسول اکرم کے اخلاق کی ایک اور بات کروں, ہم لوگ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں. صبح کی نماز ادا کر کے کئی لوگ ملتے ہیں, تو حضور جب ہی باہر نکلے گھومنے کے, آپ کی عادت تھی کہ ایسا گھوم کے پھر گھر جایا کرتے تھے, تو مسجد کے باہر جب بھی آپ کھڑے ہوئے کچھ لوگ جانے لگے, تو ایک آدمی کہتا ہے یا نبی مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, میں ابھی گھر کے دروازے کھول کے آتا ہوں تاکہ بچے باہر آ جا سکیں. حضور کھڑے رہے, وہ آدمی گھر گیا, دروازہ کھولا, چھوٹے چھوٹے بچے اس نے پمپ کر دیا, باپ کی محبت ہے, وہ بچوں میں گم ہو گیا. ادھر کچھ کھانا پینا کھایا اور اپنے کھیت پہ چلا گیا. حضور کھڑے رہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, سلام کے جواب مل رہے ہیں, کھڑے رہے. دوپہر کا وقت نزدیک آنے لگا, 10-11 بجے کا وقت ہوا. ایک آدمی نے دیکھا یا نبی آپ صبح سے کھڑے ہیں, فرمایا ہاں وہ فلانا مجھے ادھر کھڑا کر کے گیا کہ میں ابھی آتا ہوں. یا حضرت وہ تو اپنے کھیتوں پہ گیا ہے, ٹھہرو میں اس کو بلاتا ہوں. گھوڑا لیا اور بھاگا اس کے کھیتوں پہ. اور بے وقوف نبی صبح سے تیری انتظار میں بیٹھے, اس کو یاد آیا تو خود کو پیٹنے لگا, آیا بھاگا اس کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ کے پاؤں پہ گر پڑا, یا نبی میں معافی مانگتا ہوں. ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا پتا ہے, بے تحاشا گالیاں دیتا, تھپڑ مارتا. رسول اکرم کہنے لگے وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے. تم نے کسی سے وعدہ کیا کہ ادھر ٹھہرو تو اس کو واپس آ کے ملو. تم نے کسی کو وعدہ کیا میں تم کو 10 تاریخ کو میں یہ پیسے دے دوں گا تو اس کو پورا کرو. مرتضی علی علیہ السلام کے کلام میں ہے کہ ایمان کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے وفاداری, ایک حصہ ہے سخاوت,
और एक हिस्सा है कि इंसान अपना वादा पूरा करे, जो कि ये वफादारी में आता है, और तीसरा हिस्सा खास तौर पे जो है वो शर्म है। शर्म ईमान की तिहाई है, तिहाई यानी वन थर्ड। शर्म ईमान की तिहाई है, वफादारी तिहाई और तिहाई सखावत जानो, ये तीनों पे ईमान बैठा ठोर। ठोर कहते हैं जम जाना। शर्म खुदा की शर्म, इंसानों की शर्म, बदी करने से इंसान को शर्म आवे, ये ईमान की निशानी है। और जो इंसान बदी करता है, जब उसको खुदा याद आता है तो उसको शर्म आ जाती है। मौलाना मुर्तजा अली कहते हैं शर्म जो है वो इंसान के ईमान का वन थर्ड हिस्सा है, शर्म ईमान की तिहाई है, दूसरी तिहाई वफादारी है। वफादारी का मतलब लॉयल्टी, फेथफुलनेस। हमने हज़रत इमाम की बैत की है और किसी भी हालत में हम ये बैत न तोड़े, मौलाना हज़रत इमाम की फरमान बरदारी में रहें, यह वफादारी है। और तीसरा हिस्सा जो है वो सखावत का है, यानी कि गरीबों को और जो मोहताज हैं उनकी मदद करना, ये सखावत है। सखावत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बहुत सी किस्में हैं सखावत की। सखावत कहते हैं दूसरे को मदद करना, खसूसी तौर पे जब कोई दूसरा कमजोर हालत में है। नबी करीम ने एक दफा सखावत के ऊपर वाज फरमाई, हुजूर बाहर निकले, हजरत अबू हुरैरा वहां खड़े थे। आप जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी भी इस्लामी तालीम ली हुई है, उनको पता है कि सुन्नी लोग हजरत अबू हुरैरा को बहुत मानते हैं, और 5,500 के करीब हदीसें अबू हुरैरा से वो ताल्लुक रखते हैं, रिवायत करते हैं अबू हुरैरा की। हालांकि अबू हुरैरा जब रसूलुल्लाह के 3 बरस जिंदगी के बाकी थे, हुजूर ने वफात पाई 63 बरस की उम्र में, तो हुजूर की जब 60 बरस की उम्र हुई तो अबू हुरैरा मुसलमान हुए, उसके पहले मुसलमान न थे। और सोसाइटी के हिसाब से अबू हुरैरा बहुत नीची क्लास के थे, भीख मांगा करते थे। तो जब ये आते थे हुजूर की महफिलों में तो उसकी यह हिम्मत नहीं थी कि हुजूर के नजदीक तक आके बैठ सके, वो पीछे बैठा करते थे। शियों की तवारीख के अंदर और हदीसों के अंदर इन बातों का बहुत अच्छी तरह से जिक्र है, इसीलिए मौलाना हज़रत इमाम उनको बार बार कहते हैं कि तुम शिया किताबें पढ़ो और शिया मजहब की तालीम लो। तो हज़रत अबू हुरैरा सरकार को पूछते हैं, ऐ खुदा के रसूल, आपने सखावत के ऊपर, खैरात के ऊपर इतना कुछ फरमाया, मैं तो खुद भीख मांगता हूँ, मैं क्या खैरात दूँ? हुजूर ने फरमाया, आए अबू हुरैरा, खुदा ने तुझे 2 हाथ दिए। हाँ सरकार, हाथ उठाओ। उसने हाथ उठाए, फरमाया कि किसी के लिए दुआ मांगना भी खैरात है। अगर आप किसी बच्चे को, कोई बूढ़े को, बीमार को, किसी को देखते हो कि वो तंग है, आप उसके लिए दुआ मांगते हैं, तो ये भी सखावत है। और यूं भी बुजुर्ग जो है वो बच्चों को दुआएं जो देते हैं, ये सखावत है। मुखी कमरिया जो दुआ देते हैं, ये हमारे ईमान की मेहरबानियां हैं। लेकिन हम आपस के अंदर जब किसी को दुआ देते हैं या दुआ करते हैं, तो ये सखावत में आता है और ये नेक अमल है। तो नबी करीम की इखलाक की बातें कर रहा हूं कि वो आदमी को हुजूर कहते हैं कि देख, जबान को पूरा करना भी ईमान की निशानी है, ये वफादारी में आता है। हम लोग तो कई दफा एक दूसरे को धोखे दे जाते हैं। इखलाक की जब बात आती है, एथिक्स ऑफ इस्लाम की, तो बेहिसाब चीजें इसमें मौजूद है, और इस्लाम के इखलाक बहुत अच्छे हैं। हमारे गिनानों के अंदर इस्लाम के इखलाक फैले हुए हैं।
इन इखलाक की बात में आता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक बहुत ही गैर मामूली आला दर्जे की इखलाकी हालत सुनो। हुजूर ने मक्का के अंदर जब अपनी नबुवत का इजहार किया, इस्लाम को जाहिर किया, दुश्मनी बहुत हुई और सबसे ज्यादा दुश्मन अपने ही कुरैश के लोग थे। मक्का से 40 माइल पे एक गांव है, अभी तो बहुत बड़ा शहर है, उसको ताइफ कहते हैं। हुजूर को उसने देखा नहीं था, एक आदमी था कि जो मुसलमानों की और यहूदियों की और काफिरों की बातें सुन सुन के रसूल अकरम का दुश्मन बन गया। उसके दिल में एक दफा आया कि मैं हुजूर की कोई सख्त बेअदबी करूं। ताइफ से आया, शाम का अंधेरा हो गया था और अशा की नमाज भी हो चुकी थी, लोग खाना पीना खा चुके थे, कई लोग सो गए थे और वो रात को जानबूझ के इसलिए आया कि लोगों को पता न चले कि मैं आया हुआ हूं। और हुजूर का जो हुजरा था बाहर, दरवाजा खटखटाया, नबी करीम उठे तो एक आदमी खड़ा था, कहते या मोहम्मद मुसाफिर हूं, रात सोने का ठिकाना चाहता हूं। हुजूर फरमाया आओ, देखो ये इस्लाम के इखलाक में है कि आपके दरवाजे के ऊपर अगर कोई आ गया है तो दुख उठा के भी आप उसको घर में बुला लो। हुजूर हट गए, बाहर वो घोड़ा बांधा, उसने अंदर आ गया। अब ये जो रूम था ये नबी पाक का खुद का रूम था और चमड़े का एक गदेला था कि जिसके अंदर खजूर के पत्ते अंदर भरे हुए थे। ये गदेले पे नबी सोया करते थे, छोटा सा रूम था। उस वक्त इसमें छोटी सी बत्ती भी यानी दीवा जल रहा था। हुजूर अंदर आए, उसको फरमाया कि देख यहां तुम सोना, अभी मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करूं। कहते नहीं नहीं मैं खाना खा के आया हूं, आप आराम कीजिए। सरकार दरवाजा बंद करके हुजूर चले गए। मैंने कभी कभी वाजों में जिक्र किया है, आप लोगों को कुछ याद भी होगा, नबी करीम मस्जिद के साथ, ऐसा मस्जिद में एंटर हो मदीना की, वो ओरिजिनल जो मस्जिद थी तो राइट साइड के ऊपर 9 मकान थे, यानी रूम थे, 9 रूम को अरबी में हुजरा कहते हैं। ये 9 हुजरे थे और हुजूर की एट ए टाइम 9 बीवियां थी, एक एक हुजरे में एक एक बीवी रहती थी। एक आध हुजरा ज्यादा था लोगों को मिलने के लिए और इस जगह नबी पाक सोया करते थे। तो ये रूम उसको देख के हुजूर को दूसरे कमरे में चले गए। सुबह नमाज का वक्त हुआ, सरकार आ गए, नमाज पढ़ी गई, लोग मिले, थोड़ा सूरज निकल आया, रहमतुल्लिल आलमीन बाहर आए, देखा तो उसका दरवाजा बंद था। थोड़ी सी खजूरें और पानी लेके नबी दरवाजे पे आए, अंदरूनी दरवाजा खटखटाया, अंदर से जवाब न आया, फिर ज्यादा खटखटाया, जवाब न आया, तीसरी दफा खटखटाया, जवाब न आया। हुजूर को थोड़ी फिक्र हुई कि बीमार हो गया, क्या हुआ? तो हुजूर ने जोर से आवाज लगाई, ऐ मेहमान, 3 दफा बुलाया है, कोई जवाब नहीं, मैं अंदर आता हूँ, मैं अंदर आता हूँ। ऐसा कहते कहते हुजूर ने थोड़ा सा दरवाजा जो खोला तो सख्त बदबू हुजूर के नाक में आई। हुजूर पीछे हट गए, बड़े हैरान के क्या हुआ। आखिर जाके दरवाजा जोर से खोला, दूसरा दरवाजा खोला, मेहमान तो चला गया था लेकिन हुजूर के इस गदेले के ऊपर उसने अपनी हाजत रवाई की, यानी हक दिया। दो जहान का रहमत करने वाला, बल्कि दो जहान का खल्क करने वाला,
अल्लाह ताला ने मोहम्मद के नूर से सारी खलकत पैदा की है। नबियों का सरदार रहमतुल्लिल आलमीन गदेला बाहर खींच के ले गए और पानी लेके खुद उसको धोना शुरू किया। इतनी देर में कुछ लोग आ गए, हुजूर क्या करते हैं? नबी काम करते जाते हैं, बोलते जाते हैं कि ये बात बनी है, बस मैं साफ कर लेता हूँ। फरमाया, नहीं, मेहमान मेरा है। हुजूर ने गदेला साफ किया, पानी से धो के उसको ऐसा खड़ा कर दिया ताकि पानी बह जाए। दरवाजे दोनों खुल गए थे। काफी देर के बाद नबी पाक अंदर गए इधर उधर देखा तो उसकी एक तलवार खूंटी पे टंगी हुई नजर आई। आप गए, तलवार उतारी तो दस्ते के ऊपर कब्जे पे उसका नाम लिखा था और ताइफ का काम का नाम लिखा था। हुजूर ने ऊंट मंगाया और तलवार लेके ताइफ गए। 40 मील का सफर किया, जाना 40 मील, आना 80 मील होते हैं। नबी पाक ने ताइफ का सफर किया। अभी उसका नाम लिखा था, ताइफ छोटा सा गांव था। किसी को पूछा कि भाई ये आदमी किधर है? वो दरवाजा है उसका। हुजूर दरवाजे पे गए, ऊंट से नीचे उतरे, दरवाजा खटखटाया तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका रंग उड़ गया। नबी करीम ने उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली। हुजूर यूं ही नीचे निगाह से खड़े रहे और लेकिन मुस्कुरा के कहते हैं, ए मेहमान, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आया, इतला किए बगैर ही तू चला गया, मेरी मेहमानी तुझे पसंद ना आई, उसके लिए दिलगीर हूँ। ये तेरी तलवार तू भूल गया, ये तलवार दी और हुजूर मुंह फिरा के चले गए। वो पत्थर हो गया, शर्म के मारे जीता है लेकिन पत्थर की तरह हो गया। उसके पांव ना आगे जावे ना पीछे जावे, जबान बंद हो गई। ये इखलाक। थोड़ी देर के बाद जब उसको थोड़ा सा होश आया तो पीछे भागा। हुजूर तो ऊंट के ऊपर चले गए। भागता रहा यहां तक के थक गया। वापस आया, घोड़ा लिया, नबी के पास आया, जाके सीधा अपने आप को पांव पे गिरा दिया। मुसलमान हो गया, दुश्मन था मुसलमान हो गया। ये इखलाक, क्या हमारी ताकत है ये करे? लेकिन नबी करीम ने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें कही हैं, करी हैं, बताई हैं ताकि हम लोग सुधर सके। हम उनमें से कोई चीजें सीख के इतना तो नहीं कर सके तो थोड़ा तो अच्छा बने, हमारा गुस्सा घटे, हमारे अंदर अच्छे ख्याल पैदा हुए, हम लोगों को इज्जत देने के लायक बन सके हैं। पीर माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे से जो छोटा है उसको अपने से बड़ा भाई के तौर पे समझो। ये इज्जत देना किसी को हमारी उस हालत से कि हम किसी को अपने जैसा समझते नहीं, अपने से नीचा समझते हैं, हम में मगरूरी पैदा हो जाती है, बद नजरी पैदा हो जाती है, गीबत करते हैं, बदियां बोलते हैं, बदगोई करते हैं, गालियां बकते हैं जब किसी से गुस्सा करते हैं। क्या बात है, दीन होते हुए और वो भी इस्लाम दीन और वो भी इस्माइली मजहब जैसी आला कीमती चीज हमको खुदा की मेहरबानी से मिली। हमारे एहसासात, हमारे इखलाक, हमारी आदतें, हमारे आमाल, हमारी सोच विचार क्यों नहीं सुधरती? इसलिए नहीं सुधरती कि हम अपने मजहब के ऊपर सीरियस हैं ही नहीं, पोपरे हैं, बैठे हुए जमात खाने के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला का करम है कि मैं लगभग अपनी 17-18 साल की जिंदगी से मैं ऊपर की लाइन में बैठता हूँ। दुआ तो मैं पढ़ता हूँ रसूलुल्लाह के कहने से कि जिस तरह जिस जगह सजदा करते हो अपनी नमाज में दुआ में निगाहें वहां रखो या बंद कर लो। इसी तरह से जब हम खड़े होके तस्बीह निकालते हैं तो उस वक्त भी रसूल अकरम का फरमान है कि जब तुम कयाम की हालत में हो तो भी उस वक्त तुम्हारी निगाहें उस जगह होनी चाहिए कि जहां तुम सजदा करते हो।
लेकिन जब ही दुआ हो जाती है कि नन वगैरह पड़ जाते हैं तो मैं आंखें खोल के जमात को देखता भी हूँ। कई दफा मैंने जमात में ऐसे लोग भी देखे हैं कि उनके बैठने का जो तरीका है वो अदब के खिलाफ है। ऐसे भी देखे हैं कि यूं ही बैठे रहते हैं, न गिनान बोलते हैं न फरमान सुनते हैं अच्छी तरह से। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी रिपोर्ट से आती कि वो दुआ में भी बैठे रहते हैं, न सजदा करते हैं, पंजा दे देते हैं, बैठे रहते हैं। हर इंसान को उसके आमाल की वजह से खुदा ताला बख्शिशे देगा। अगर हमारे अखलाक ही अच्छे नहीं है तो खुदा की रहमतें हासिल करने का और क्या तरीका है। खुदा उस पर राजी होता है कि जो हलीमुल तबाह होते हैं, हम्बल होते हैं, नेक होते हैं, दूसरे की गलतियां भूले बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जिस तरह से रसूल अकरम की बातें आपको सुना रहा हूँ, हम कदाचित शायद इस लायक नहीं हैं, इतने ताकत वाले नहीं हैं, तो कम से कम थोड़े हद तक तो हमारे अंदर सब्र तहम्मुल आना चाहिए। जरा सी बात में हम बिगड़ जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, आग बगोला बन जाते हैं। इस्लाम के अखलाक बहुत है, बेहिसाब है। और इस्लाम ने इन अरबों को के जो जानवरों से भी ज्यादा उनकी हालत खराब थी, हिस्टोरियंस लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की बेसत से पहले जो हाल था अरबस्तान का, तो उसको उन्होंने ह्यूमैनिटी का डार्केस्ट पीरियड कहा है, इंसानियत का तारीख तरीन दौर कहा है। क्योंकि वो जमाने के अंदर भले नजर आते थे आदमी, मगर जानवरों से भी ज्यादा खराब खसलतें उनकी थी। जुल्म था, बेइंसाफी थी, बेदरकारी थी, परवाह नहीं थी। बाप के गायें लेके बच्चा जा रहा है, मैं रसूलुल्लाह की नबूवत से पहले की बात सुनाता हूँ, बैल है, गायें हैं, बछड़े हैं, 12 14 15 वर्ष का लड़का बाप की गायें लेके चराने के लिए जा रहा है। हिस्ट्री में ये वाकया पढ़ के मैं बहुत देर तक इस सफे के ऊपर मेरी आदतें और नजरें जम गईं। वापस मैंने पढ़ा, ये हाल था हमारा, क्या ये इंसानी लोग थे नजर आने वाले। अभी ये लड़का, इसको भूख लगी है तो इसने एक बैल के पहलू पे छुरी मारी, थोड़ा सा किलो डेढ़ किलो जितना गोश्त निकला। अब आग तो थी नहीं तो ये कच्चा ही चबाने लगा। ऐसे लोग थे, कच्चा गोश्त खाने वाले। अब वो बैल तड़प रहा है, इससे तो बेहतर था जब किसी बछड़े को जिवा कर ले, लेकिन नहीं। अब उसकी अक्ल को किस तरह से हम माने कि वो आकिल था। 18-17 साल का लड़का है, कोई मामूली नादान बच्चा नहीं है। यानी हिस्ट्री के अंदर इस किस्म के वाकयात मिलते हैं कि जिन वाकयात को पढ़ के हमारे होश उड़ जाते हैं। एक वाकया है, आपको ये तो पता कि उस जमाने के अंदर लड़की को बहुत नफरत करते थे। आज भी कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि घर में लड़की पैदा होती है तो झगड़े होते हैं। आज भी हम लड़कियों को पसंद नहीं करते, यानी अपनी बेटियों को। बेटा होता है तो बहुत खुशी करते हैं, लड़की होती है तो मुंह गिर जाते हैं। ये हिंदुओं की बात है, इसलिए कि हिंदुओं के अंदर जहेज देने के लिए वो तैयार नहीं होते और दामाद के सामने सर झुकाना पड़ता है। अरबों का हाल ये था कि जो आज हिंदुओं का हाल है, हम मुसलमान हैं। नबी करीम ने भी अपनी जिंदगी के अंदर एक लड़की को पाल के हमारे सामने एक नमूना पेश किया है। मैंने अभी बीबी फातिमा की बात आपको सुनाई है, और हुजूर फरमाते हैं कि लड़की खुदा की रहमत लाती है। मेरा एक दोस्त था बचपन का, 1940 के अंदर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार बम्बई आए, और मौला के रहम से मैं मेहमानियों में मौला के साथ जाया करता था, फरमान लिखता था। एक दिन मेरे घर पे आया सुबह, मुझे बताया कल मेरी मेहमानी है, तो मौला को कहना ना कि मेरी मुझे एक बेटा दे। मैं बोला देख, मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ, लोगों की बातें अर्जे करने जाऊंगा तो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये नहीं।
तो मैं क्या करूं, मतलब तुझे आरस करने की बात भी क्या है, थोड़ा सा दुआ मानो। कहते नहीं, मेरी बीवी भी कहती है हम अर्जी लिखे, मैं बोला चल अर्जी लिख। उसको अर्जी लिख दी मैंने। उसकी 5 या 6 बेटियां थी, बहुत खुश हुआ। जब उसकी मेहमानी में मौला पहुंचे, मौला जाके बैठ गए, मैं पीछे खड़ा रहा। नाम पूछा, क्या करते हो, ये है, जवाब देता रहा। ये लड़कियां सब तुम्हारी हैं? जी खुदा, उसका हाथ एक शीशे की तरफ गया और मौला देख रहे हैं, मौला के साथ बातें कर रहा है, शाबाश 5 लड़कियां, मौला तुम बहुत खुश नसीब हो। देखो, अगर दुनिया में 20 बरस तक कोई लड़की पैदा ना हो गए तो ये दुनिया बर्बाद हो जाए। शाबाश, खाना बदल। उसको दुआ सीधी, माँ बाप उठ के चले गए, हाथ इधर का इधर ही रह गया। एक आदमी बाहर गाँव गया था, घर वापस आया तो पता लगा कि उसके घर में बच्ची पैदा हुई। 1.5 बरस के बाद आया, 1.5 बरस की लड़की बच्ची थी। अब्बा को देखे, बहुत भागी उसकी तरफ। पंडित सुंदरलाल एक हिंदू पंडित था बनारस में, उसने एक छोटी सी गुजराती में किताब लिखी है और उस किताब का नाम है इस्लाम नू मोहम्मद मुस्तफा। छोटी सी किताब है, मेरा ख्याल है 60 के 70 पेजेस हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मगर ये पंडित सुंदरलाल हिंदू होके इसने जो रसूलुल्लाह की तारीफ की है, बादशाह अगर गुजराती जानते हो तो कहीं से लेके पढ़ो। ये वाकिया इस किताब में से मैंने पढ़ा और उसने रेफरेंस दी है। ये आदमी बहुत गुस्सा हुआ अपनी बीवी के ऊपर। एक दिन ये छोटी बच्ची को, 1.5-2 बरस की बच्ची थी, उसको ले गया घुमाने के लिए। शहर के बाहर जाके बच्ची को खड़ा किया और खुद कब्र खोदने लगा। बच्ची खड़ी है, कब्र खोद रहा है। कब्र खोदते खोदते मिट्टी इसकी दाढ़ी में भी पहुंची। खोदते खोदते जब ही थक गया तो जरा बैठ गया। लड़की भाग के आई बाप के पास और इसकी दाढ़ी के अंदर जो मिट्टी पड़ी थी ना, उसको निकालने लगी। इसके दिल में रहम जाग उठा, बेटी की तरफ नजर की, जोर से जाके इसने बेटी को अपने सीने से लगाया, बहुत रोया। कब्र को छोड़ के घर ले आया और फिर इस बेटी से बड़ा प्यार किया, यानी बेटी को मारा नहीं। ये दफन करने गया था अपनी बेटी को, लेकिन जब उस बेटी को तो पता नहीं मुझे दफन कर रहा है, लेकिन अब्बा की दाढ़ी में जो मिट्टी गिर गई अब उसको ये निकालने लगी, इसमें कितनी मोहब्बत है। ऐसे अरबों के अंदर रसूल को अल्लाह ताला ने भेजा कि इन जानवरों को सुधार के इंसान बनाओ। नबी की एक हदीस में है कि वो जमाना आएगा कि मदीने से हजरमौत तक, जो यमन में है, एक अकेली औरत जेवरात पहन के ऊंट के ऊपर अकेली, ये लगभग 400 या शायद इसके कम ज्यादा मील का फासला है मदीने से हजरमौत। नबी फरमाया ऐसा वक्त आएगा कि एक अकेली औरत जेवरात पहन के ऊंट पे बैठ के हजरमौत तक जाएगी, उसको कोई डर नहीं होगा, उसको कोई खौफ नहीं होगा, उसे कोई रास्ते में नहीं सताएगा। और ये वो वक्त था कि हुजूर ने अपनी नबूवत का इजहार किया था और इसके ही थोड़ी देर पहले, बल्कि उस वक्त भी लोगों को सफर करना होता था तो 1500 आदमी मिलकर सफर करते थे ताकि रास्ते में उनको कोई लूट ना ले रहे। और वल्ला बिल्ला, रसूल अकरम की वफात के थोड़े ही अरसे के अंदर ये बात बन गई कि अकेली और मदीने से हजरत मौत तक जाए, उसे कोई खौफ ना था। रसूल अकरम ने इस्लाम के इस बादशाह ने जानवरों को इंसान बनाया, उनको इखलाक दिए, अदब और खुशमत दी और उनको सिखाया कि दुनिया के अंदर
आला कीमतें तुम्हारे नेक अमाल के अंदर हैं। हम छोटे थे, खेलते हुए, अगर उसमें खेल के अंदर कोई हमारा बुजुर्ग रिश्तेदार निकल आया, मिसाल के तौर पे मामा निकल आया, तो खेल बंद हो गया, खड़े हो गए, मामू जान यारी मदद, चाचा जान यारी मदद, अम्मी जान यारी मदद, फूफी माँ यारी मदद। बुजुर्गों के सलाम होते थे, बुजुर्गों को देख के हम खड़े हो जाते हैं। ये कदरें होती हैं कि जो इंसान को इंसानियत सिखाती हैं। हज़रत इमाम के इतने फवामीन हैं, और आज भी पाकिस्तान के अंदर भी उसने एथिक्स ऑफ इस्लाम को याद किया है कि हमारे अंदर खूबियां पैदा होनी चाहिए, अखलाक पैदा होने चाहिए, अच्छी आदतें पैदा होनी चाहिए। हम इन चीजों को भूल गए हैं। हमें हज़रत इमाम ने ये भी चीजें की और बहुत बरसों से कहता चला आता है कि तुम अपने बाप दादा की जो रिवायात हैं उनको मत भूलो। बाप दादा की रिवायात के अंदर ये तमाम इखलाकी चीजें हैं। तुम गैर मुल्कों में गए हो, उन मुल्कों के अंदर के जहां तुम्हारी सोसाइटी नहीं है, यानी हम पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका से इधर आए हैं अमेरिका के अंदर, तो ये अमेरिका हमारा मुल्क नहीं है, हमारे बाप दादा का मुल्क नहीं है, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब यहां नहीं है। तो क्या इनकी खातिर हम अपनी तहजीब को भूल जाए या छोड़ दें? अपनी शक्ल बदला सकोगे लेकिन अपना जो असल है वो कैसे बदलाओगे? हमारा जो रंग है वो यूरोपियन की तरह गोरा नहीं बनेगा, हमारे नक्श यूरोपियन जैसे नहीं बनेंगे। ये लोग क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं और या पेगन हैं, और आज सारी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते गए 200-250 साल हुए कि यूरोपियन सिविलाइजेशन बाहर निकली। ब्रिटिश बाहर निकले तो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। उस वक्त ये जो एशियन कौमें थी बड़ी गरीब थी, कमजोर थी, कोई खास ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, और यूरोप लगभग 700 बरस से आगे बढ़ रहा था। यानी कि 18 सेंचुरी के अंदर ये लोग बाहर निकले। हिंदुस्तान के ऊपर मुगलिया सल्तनत थी और अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना के ब्रिटिश की, और उधर हॉलैंड ने ईस्ट इंडियन कंपनी बनाई, फ्रांस ने हिंद चीनी ले लिया, सहारा और सेनेगल ले लिया, बेल्जियम ने कांगो ले लिया, जर्मनी ने साउथ अफ्रीका और टांगानिका ले लिया, इटली ने सोमालिया ले लिया, स्पेन ने अल्जीरिया और मोरक्को ले लिया, और ब्रिटिश ने तो खूब पंख पसारे किए कि तमाम ब्रिटिश हुकूमतों ने 200-250 साल पहले अपने पर फैला दिए और अलग अलग जगहों पे जाके इन्होंने अपनी हुकूमतें बना डाली, और वो जो ओरिजिनल कल्चर था वो गिरने लगा। अपनी आदतें, अपने अखलाक इन्होंने इम्पोज किए गुलाम कौमों के ऊपर। आज भी कभी आप स्टडी करो तो आपको ये बात का पता लगे कि गए 100 साल से ये जो ब्रिटिश कौमें हैं, जो इधर भी हैं, असल में ये लोग यूरोपियन हैं, जो अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है, ये यूरोप से आए, मिक्स कौमें, मजहब भूल चुके हैं, नाम के क्रिश्चियन रह गए। आज इस वक्त दुनिया के अंदर जो क्राइम और बदियां, बुराइयां और गुनाह के काम होते हैं वो तमाम के तमाम नहीं है, तो कम से कम 90% इन यूरोपियन कौमों से इखलाक बिगड़े हैं, इन यूरोपियन कौमों से गुनाह बढ़े हैं। शराब इन्होंने इम्पोज की, जुआ ये लेके आए, और बदियां बुराइयां ये लेके आए, चोरियां इन्होंने सिखाई, सब तरह की बदमाशियां जो दुनिया में फैली हुई है उनके अंदर यूरोपियन कौमों का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक हिस्ट्री की इनकार न हो सके ऐसी एक एविडेंस है, पढ़ो, हिस्ट्री सामने है। आज आस्ते आस्ते हालत ये हो गई कि हम इखलाक से गिर गए। बहुत दूर नहीं, 1911 तक भी यूरोप के अंदर औरत को वोट देने का हक नहीं था, 1911 तक, 100 साल से कम हुआ है। अभी आज ये हालत हो चुकी है कि औरत आधी से ज्यादा नंगी हो गई है,
इखलास बिगड़ गए हैं, बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो गया है। मैं ऐसी ऐसी बातें पढ़ी है और देखी है कि अफसोस ये है, अफसोस इसलिए अफसोस है, अच्छा है लेकिन अफसोस ये है कि मैं आपको कह नहीं सकता। ऐसी बदियां बुराइयां आज पैदा हो रही हैं, और ये बदियां बुराइयां इन लोगों के अंदर के जो ओरिजिनली क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी भूल गए हैं। ये अभी देखो, 2 महीने के अंदर जब क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस तो एक कमर्शियल गिमिक है, व्यापार करने के लिए एक तरीका निकाला है, उसके अंदर कोई मजहबी चीज नहीं है। और हमारे बच्चे बहुत दफा मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं तो क्रिसमस के अंदर अपने घर में इस्माइली लोग अपने घर में ट्री लेके आते हैं, और अभी तुम कौन कहां से क्रिश्चियन बन गए हो, हमको बच्चे कहते हैं इसमें क्या हुआ। नहीं, बच्चों के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। अभी हेलोवीन के अंदर इन लोगों की ये जिन्नात और भूतों की बातें लेके आते हैं, हमको क्या इसके साथ। लेकिन बहुत से ऐसे इस्माइली घर है कि जो इन लोगों के अंदर शामिल होते हैं, हमें इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए। हम मुसलमान हैं, इस्लामी अखलाक सीखने हैं, इस्लामी आदतें हमें सीखनी है, और इस्लाम के अंदर जो बेस्ट रिलीजन है, जो बेस्ट फेथ है, जो बेस्ट तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास है कि जिसके अंदर रूहानियत ही रूहानियत है। मगर हम न तो इस्लाम से अच्छी तरह वाकिफ है, न अपने मजहब से वाकिफ है। हमारी आदतें बदलनी चाहिए, हमारे अखलाक बदलने चाहिए, हमें नेक और अच्छा बनना चाहिए। हम जिंदगी में रहे तो रूहानियत के साथ रहे, हम लोगों के साथ सलूक करें तो इंसानियत का सलूक होना चाहिए। इस तरह से हम अपने मजहब के ऊपर जो अमल करें तो हमारी रूहानी हालत जो है वो सुधरती है, बेहतर बनती है, पावरफुल बनती है। तो दुनिया के अंदर मौत से पहले खुदा के साथ हमारा ताल्लुक पैदा होता है, हम रूहानी आदमी हैं। मैंने काफी लंबी वाज कर दी आपको, मौला आपको सुखी आवाज करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, नेक आदतें देवे, बदियों बुराइयों से बचावे, गुनाहों से बचावे, कलयुग की हवाओं से बचावे। शैतान आपके ऊपर तसल्लुत न करे, मेरी दुआएं हैं। मौलाना इमाम आपको अपनी पनाह में बख्शिशों में रखे, मौला दसवंदी सुकृति बनावे, हर बलाए आफतें दूर करे, और दीन और दुनिया की नियामतें और बख्शिशें देवे। सुखी आबाद बनो, हमेशा आबाद रहो, हमेशा ताजे रहो, मौला की मोहब्बत में रहो, आपस में एक दूसरे की मोहब्बत और मदद में रहो, इमाम की और जमात की खिदमतें करो। इंशाअल्लाह मौला आपको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे। अल्लाह।